बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है उस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हम लोगों ने इसके लिए ये फिगर बना रखी है, इसमें क्या है कि ये हमारा कोई भी पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के गिर्द ये फील्ड क्रिएट हुई हुई है। अब इससे के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसकी और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले कंसीडर कर चुके हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी फील्ड है, ए से बी की तरफ फील्ड है। अब ए हमारे पास नेगेटिव है और बी हमारे पास पॉजिटिव है। अब हमें पता है कि जो फील्ड बनती है वो प्लस से माइनस की तरफ बनती है, इसके दरमियान एक चार्ज को फ्रीली मूव करने दिया। तो उसके लिए हम लोगों ने कंसीडर किया था कि जो ए हमारा पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो जीरो पर होगा, और इसके लिए हमने कहा था ये इनफाइनाइट पर है। फिर हमने बात की थी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमने उसको कांस्टेंट कंसीडर कर लिया था थ्रू आउट द फील्ड। तो इस फार्मूले में जो हमारे पास डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर के इक्वल है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी को कांस्टेंट रखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि हमारा जो ए पॉइंट है रेफरेंस पर है और इसको हम लोगों ने इनफाइनाइट पर कंसीडर कर रखा है, तो इनफाइनाइट जैसे फासले पर इसके लिए जो ई है वो कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि ई के लिए ये फार्मूला हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि ई बराबर है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ई है वो अपने डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करती है। तो जब ई इतनी रेशियो में वेरी कर रही है तो इतनी ज्यादा फील्ड के अंदर ई को कांस्टेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारे ए और बी पॉइंट्स हैं या जो पॉइंट्स होंगे वो बहुत ज्यादा करीब होंगे। तो ये जो इनफाइनाइट पर थे तो वो इस पॉइंट चार्ज के क्लोजली कंसीडर कर लिए गए, यानी कि अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से ये फील्ड क्रिएट हो रही है तो उसके करीब ये वाला पॉइंट हमने पॉइंट ए कंसीडर किया और दूसरा पॉइंट ये हमारे पास पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। तो अब ये पॉइंट एक दूसरे के क्लोजली आ गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ई है वो कांस्टेंट है। अब जब ई कांस्टेंट कंसीडर हो गई है तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस पॉइंट से ये जो ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है इसको नाम दिया हुआ है आर ए का, और इसी पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से जो लास्ट पर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है इसको नाम देते हैं आर बी का। तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ तक आर ए है और ये टोटल हमारे पास आर बी है, जबकि ए से बी तक का हमारा फासला डेल आर है। तो ये आर ए और डेल आर ये दोनों मिलकर हमारे पास आर बी बनाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास आर बी है वो असल में ये आर ए प्लस डेल आर है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर ए प्लस डेल आर, तो ये हमारे पास आर बी है। अगर हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं डेल आर के लिए तो क्या होगा कि डेल आर इस साइड पर रह जाएगा और ये आर ए इसमें से जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो डेल आर है वो हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। तो ये हमारे पास डेल आर की इक्वेशन है कि बी में से ए वाला हिस्सा निकल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये बी टोटल का हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम लोग इसमें से आर वाला निकाल देंगे तो हमारे पास डेल आर का हिस्सा रह जाएगा। तो ये हमारे पास डेल आर के लिए इक्वेशन आ गई। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंसीडर करें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर है। अब हमारे पास यहाँ पर आर का स्क्वायर है लेकिन हमारे पास डेल आर है, तो अब हम लोग आर पॉइंट कंसीडर करेंगे। आर पॉइंट हम लोग ए और बी का मिड पॉइंट
आर कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड बनेगा उसको हम लोगों ने आर का नाम दे दिया है। तो अब आर हमारे पास आर ए और आर बी इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके टू पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आर आ जाएगा जो दोनों का मिड पॉइंट है। अगर हम लोग इसमें देखें तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन को कंसीडर कर लेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो से ये हमारे पास आर बाय आर ए इक्वल हो जाएगा आर बी बाय आर के। तो अगर हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये आर जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इस आर से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर ए जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उस साइड पर जाकर आर ए इंटू आर बी हो जाएगा, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज होकर इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, यानी आर ए इंटू आर बी। अब अगर एक चार्ज को हम लोग बी से ए की तरफ फील्ड के अंदर मूव करते हैं, यानी कि पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यही वाली इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी कि बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू डेल आर है, तो ये हो जाएगा आर ए माइनस आर बी, जब हम लोग पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू आर ए माइनस आर बी। अब हम लोग इस इक्वेशन तक आ चुके हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से ई को निकालें, बल्कि यहाँ पर माइनस का साइन बी होगा, तो ये हमारे पास वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, अगर ये माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे तो ई हमारे पास आर बी माइनस आर ए के इक्वल आ गया। अब अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालें तो ये जो हिस्सा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ई हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, और इसके बटा में ये हिस्सा आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। अब ये है हमारे पास ई की वैल्यू। अगर इस इक्वेशन में हम लोग ई की वैल्यू को पुट करते हैं तो इसकी जगह ये हिस्सा आ जाएगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन ई की जगह आ गया वी ए माइनस वी बी, और बटा में आ गया आर बी माइनस आर ए, और ये इक्वल हो गई वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर ए आर बी, क्यू बाय आर ए आर बी। तो ये है हमारे पास अब फाइनलाइज्ड इक्वेशन। तो अगर हम लोग इसको रीराइट करते हैं, रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो ये हिस्सा हम लोग उस साइड पर ले जाते हैं, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और इक्वल हो जाएगा ये क्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हिस्सा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पर जाएगा तो ऊपर वाले हिस्से में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, और बटा में होगा आर ए बी आर ए आर बी। तो अब हम मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक इसको दोनों का अलग बटा कंसीडर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वी ए माइनस वी बी इक्वल हो जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी का बटा हो जाएगा आर ए आर बी, फिर माइनस आर ए का बटा हो जाएगा आर ए आर बी। तो यहाँ पर देखेंगे जो हिस्सा कटता हुआ उसको कट कर देंगे, अब यहाँ पर आर बी कट रहा है और इस हिस्से में आर ए कट रहा है, तो हमारे पास वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वन बाय आर ए माइनस
माइनस वन बाय आर बी इसके इक्वल हो गया। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास फाइनलाइज इक्वेशन है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को किसी एक पॉइंट के लिए कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग इसको पॉइंट ए के लिए कंसीडर करते हैं, तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो पॉइंट बी है या जो भी दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, इनफाइनाइट पर है, जीरो पर है, तो हम लोग उसके पोटेंशियल को जीरो पोटेंशियल कर देंगे। तो जब इसको जीरो पोटेंशियल कर देंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो अकेला बी ए बच जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वन बाय आर बी की, तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। तो अब वन बाय आर बी जो था, तो आर बी हमारे पास असल में उसका डिस्टेंस था, अब उसको हम लोगों ने इनफाइनाइट पर कंसीडर कर लिया है, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे इनफाइनाइट इन्फिनिटी को। तो हम जानते हैं कि 1 बाय इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है, तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को रीराइट करें ए पॉइंट के लिए, तो ये हमारे पास बी ए इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू 1 बाय आर ए हो जाएगा। अब ये हिस्सा हमारे पास जीरो हो चुका है 1 बाय आर बी। तो ये वो इक्वेशन है जो हमारे पास ए के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को जनरली लिखें तो यही इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी b इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय आर, चाहे पॉइंट ए के लिए कंसीडर कर लेंगे या पॉइंट बी के लिए। तो बहुत शुक्रिया। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।